दोस्तों वर्ब के लगातार सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों करने वाले एक्चुअली वर्ब टू डू को। देखिए डू से संबंधित वर्ब कई सारे परीक्षाओं में आता है और इस तरह से अगर आप डू को अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए डू डज और डिड इनसे संबंधित जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो दूर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डू डज और डिड जो कि एक्सिलरी वर्ब का एक पार्ट है। ठीक है तो चलिए दोस्तों पहला रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि डू डज या डिड का प्रयोग निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव वाक्यों में प्रेजेंट एवं पास्ट टेंस में सामान्यता किया जाता है। देखिए डू और डज का इस्तेमाल जो है हम या डिड का इनका उपयोग हम निगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ किया जा सकता है प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों में किया जा सकता है। तो चलिए हम समझते हैं इसको थोड़ा विस्तार से कुछ एग्जाम्पल से। ठीक है दोस्तों देखिए अगर हम कहते हैं सबसे पहले समझते हैं कि डू डज और डिड इसका प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में कैसे किया जाता है। देखिए डू डज और डिड इसका प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में कैसे करेंगे। देखिए अफर्मेटिव का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव सेंटेंस जो भी होंगे जो भी दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस होंगे उसमें कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे देखिए अगर मैं कहता हूँ कि मैं उसके पास जाता तो हूँ आई डू गो टू हर। देखिए सीधा तो मतलब है कि नॉर्मल अगर आप लिखते हैं आई गो टू हर आप बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है लेकिन दोस्तों जब इसके साथ डू लगा देते हैं तो उसमें थोड़ा इम्फेसाइज आप यूँ कह सकते हैं उस चीज़ पे थोड़ा सा ऐसी भावना आ जाता है करता तो हूँ खाता तो हूँ जाता तो हूँ। याद रहेगा आप लोगों को जैसे सी डज कम हेयर वो यहाँ आती तो है ही डिड कम यस्टरडे वो कल आया तो था। मतलब ऐसा सेंस हम लगाते कि मतलब हाँ आया तो था आपने नहीं देखा आया तो था। ठीक है जैसे सी डज टेक मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है तो यहाँ पर नॉर्मल हम सेंटेंस बात सी टेक्स मेडिसिन रेगुलरली होगा या डेली। लेकिन यहाँ पर ऐसा वाक्य आ जाएगा जिसमें कुछ ऐसा लगेगा किसी को बता रहे हैं हाँ करता तो है आपको नहीं मालूम है ये बात। जैसे वह रोजाना दवाई लेती तो है। ठीक है सी डिड टेक मेडिसिन डेली यहाँ पर भी दोस्तों वो रोजाना दवाई लेती तो थी लेकिन सुधार नहीं हुआ। इस तरह के सेंस से हम जब बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है देखिए अगला दोस्तों है कि डू डज या डिड का प्रयोग इम्फेसाइज करने हेतु किया जाता है। मतलब जैसे किसी चीज़ पे इम्फेसाइज करते हैं तो उसमें जोर देते हैं। जैसे हम नॉर्मल किसी को बोलते हैं हैव अ कप ऑफ टी। ठीक है एक कप चाय पी लीजिए। डू हैव अ कप ऑफ टी का मतलब हुआ कि हम विनम्रता दिखाते हैं। ठीक है कहते हैं जब आग्रह करते हैं तब जैसे हैव अ सीट प्लीज। जब ये बोलते डू हैव अ सीट प्लीज तो इसका मतलब ज़्यादा विनम्रता के साथ हम उसको बोलते राइट टू मी डू राइट टू मी तो इसमें हुआ थोड़ा विनम्र है ज़्यादा। ठीक है देखिए उपरोक्त वाक्य में डू का प्रयोग वाक्यों को इंट्रोगेटिव नहीं बनाता है बल्कि यह वक्ता के विनम्रता आग्रह युक्त विनम्रता को प्रदर्शित करता है। देखिए आपको कई बार लगेगा कि जब इसमें डू लग गया है तो इसमें डू लगने के बाद इसमें हैव लगा तो इसका मतलब आप सोचेंगे कि भाई कुछ इंट्रोगेटिव बनेगा लेकिन नहीं डू लगने के बाद हैव जब हैव अ कप ऑफ टी बोले तो इसका मतलब उस पर एम्फेसाइज किया गया विनम्रता का ज़्यादा उसमें भाव दिखा। जैसे आप बोलते हैं हैव अ कप ऑफ टी किसी को अगर आप डू हैव अ कप ऑफ टी कहते हैं तो इसका मतलब ज़्यादा विनम्र है आप उसको ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप चाय पीकर ही जाइए। ठीक है तो दी सो कॉल्ड इम्फेटेटिक डू हैज मेनी यूज इन इंग्लिश। इस जो सो कॉल्ड ये इम्फेटेटिक डू है इसका बहुत सारा यूज है इंग्लिश में। जैसे एक एग्जाम्पल आप समझिए डू एड इम्फेसाइज टू इंटायर सेंटेंस पूरा सेंटेंस है उसमें डू पूरा उसमें जोर लेकर दे देता जैसे ही डज लाइक एग्स ही रियली डज। ठीक है देखिए डू पूरा का पूरा उसमें इम्फेसाइज कर दिया। और जैसे डू का दूसरा इस्तेमाल है कि इम्परेटिव सेंटेंस में भी इम्फेसाइज करता है उस कमांड को थोड़ा सॉफ्ट बना देता है विनम्र बना जैसे डू कम इन एक्चुअली सॉफ्टेंस द कमांड। ठीक है अगला दोस्तों है कि तीसरा जो है टू डू टू ऐड इम्फेसाइज टू फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। देखिए जब वर्ब में आपको एडवर्ब में जो फ्रीक्वेंसी दिखाना है उस चीज़ को बार बार आपको दिखाना है उस कंडीशन में दोस्तों आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही नेवर डिड अंडरस्टैंड हिज मदर। ठीक है तो यहाँ पर हम किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी को एडवर्ब की फ्रीक्वेंसी को हमने दिखाया यहाँ पर नेवर के साथ जोड़कर। ठीक है टू कंट्राडिक्ट अ निगेटिव स्टेटमेंट जब कोई एक निगेटिव स्टेटमेंट है उसके जस्ट विपरीत में बात करना चाहते हैं तो उसमें डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू डिडंट डू योर होमवर्क डिड यू तो यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि तुमने अपना होमवर्क नहीं किया। ठीक है क्या किया था ऐसा सेंस बन रहा ओह बट आई डिड फिनिश इट। ठीक है टू आस्क
क्लेरिफाइंग क्वेश्चन अबाउट अ प्रीवियस निगेटिव स्टेटमेंट। अगर कोई पीछे कोई निगेटिव स्टेटमेंट बता रहा है उसमें क्लेरिफिकेशन के लिए, उसको क्लियर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे राजू डिडंट टेक द पर्स, देन हु डिड टेक द पर्स, राजू ने पर्स नहीं लिया लेकिन लिया किसने, यहाँ डिड आकर क्या कर रहा है दोस्तों, क्लेरिफिकेशन कर रहा है आकर, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है टू इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग कंसेशन, कोई स्ट्रॉन्ग कंसेशन है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑल द जैक डेनाइड एनी रॉन्ग डूइंग, दे डिड रिटर्न सम ऑफ द प्रेजेंट्स, ठीक है। देखिए कई सारे यूज हैं इसका, लेकिन इतना आपको डीप में नहीं जाना है। ये देखिए लगभग 6 यूज हैं, तो 6 यूज में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है कैसे नहीं किया जाता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए डू का जो प्रयोग है एडिक्वेसी और सुटेबिलिटी बताने के लिए भी करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आई हैवंट गॉट अ टॉर्च, विल अ मैच बॉक्स डू, ठीक है, तो नो ए मैच बॉक्स वॉन्ट डू, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैच बॉक्स अनसुटेबल है इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कई बार सुटेबिलिटी और अनसुटेबिलिटी को दिखाने के लिए भी करते हैं दोस्तों। ये बात समझ में आया, ये चीज़ें क्लियर है। देखिए तो यहाँ पर अगला जो है टू डू विथ का प्रयोग कंसर्न अर्थ में भी किया जा सकता है। किसी चीज़ को लेकर हम अगर कंसर्न दिखा रहे हैं, चिंता है हम लोगों को, ठीक है, उस स्थिति में भी कर सकते हैं। जैसे इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू, मतलब कुछ ऐसा नहीं करने का, ये कंसर्न नहीं दिखा रहा, तो निगेटिव सेंटेंस है कंसर्न नहीं दिखाने का। इट वॉज नथिंग टू डू विथ मी, तो ये मतलब ये मेरे को इतना नहीं कंसर्न का, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ डू आर यूजफुल इन एक्सप्रेसिंग सिमिलैरिटी इन कंजक्शन विथ सो एंड नाइदर, ठीक है। डू का फॉर्म कई बार हम सो और नाइदर के फॉर्मेलिटी में भी हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि सिमिलैरिटी दिखाने के लिए। जैसे माई वाइफ हेट्स एक्स एंड सो डज माई सन, मेरी वाइफ भी हेट करती है इसलिए मेरा बेटा भी नफरत करता है, सो और नाइदर के केस में। माई वाइफ डजेंट लाइक एक्स नाइदर डू आई, ना मेरी पत्नी पसंद करती है ना मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। उसके बाद सातवां, डू इज ऑल्सो यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए वर्ब, अगर कोई आप वर्ब को रिपीट बार बार करें तो उस रिपीटेशन से भी बचने के लिए डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शालिनी एक्सेल्ड इन लैंग्वेज स्टडीज, वो लैंग्वेज स्टडी में थोड़ा बेस्ट है, सो डिड हिज ब्रदर, तो उसका भाई भी एक्सेल किया इस तरह से। राहुल स्टडी एज हार्ड एज हिज सिस्टर डज, जैसे उसकी बहन पर ही राहुल भी उसी तरह से स्टडी किया हार्ड। देखिए ओवरऑल और कुछ बातें मैं आपको डू डज के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए अब एक बात समझने लायक है जो कॉमन एरर में अक्सर डू डज के, देखिए इतना जो कुछ मैंने आपको बताया तो हो सकता है इसमें आप कुछ समझे होंगे कुछ नहीं समझे होंगे, लेकिन बेटर चीज़ क्या है कि देखिए जब आप सब्जेक्ट लेते हैं और उसके बाद डिड लेते हैं और उसके बाद नोट लगाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसके बाद लोग भी थ्री को हमेशा सोचते लगेगा, लेकिन ये गलत है, इसमें लगता है भी वन प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। कई बार इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि जब आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद दोस्तों नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके जस्ट बाद आप भी वन इस्तेमाल करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे दोस्तों, ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, सी डिड नॉट, सी डिडंट लाइक्ड, सी डिडंट लाइक्ड हर बिहेवियर, देखिए सुनने में ख़राब नहीं लगेगा आपको, देखेगा सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डिड नॉट के बाद भी वन इस्तेमाल होना चाहिए, यहाँ पर लाइक लगना चाहिए, सी डिड नॉट लाइक हर बिहेवियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ समझने लाइक था कि डू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए और कुछ विशेष बात है हम और बताना चाहते हैं आपको इस किताब से थोड़ा हटके। देखिए ये जो डज है, इस डज का जो इस्तेमाल है हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं या ऐसे नाउन के साथ करते हैं जो कि सिंगुलर हो, ठीक है, या जैसे कोई आपका प्रोनाउन वाले शब्द है, जैसे आप कह सकते हैं एवरी वन, एवरी बडी, नो बडी, नो वन, जो कि सिंगुलर ट्रीट हो सेंटेंस में, सब्जेक्ट सिंगुलर ट्रीट किया जाए उसमें डज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और डू का इस्तेमाल दोस्तों आई के साथ होता है, वी के साथ होता है, यू के साथ होता है और उन तमाम नाउन्स के साथ होता है जो कि पुल्लर खुद को बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अगर बोलेंगे बॉयज डू नॉट, ना कि बॉयज डू डज, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको ये बातें ध्यान में रखने होंगे दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।